मैं भारती को प्रणाम करता हूँ, सकेश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा लाड प्यार, सब लोगों को सुबह की राम राम। आज तो वैसे भी बच्चों की बात करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अहोई अष्टमी की बात करनी है। अहोई अष्टमी वह दिन है जिसमें माता पिता अपने बच्चों के सौभाग्य की कामना करते हैं और उनका तिलक आदि करते हैं। बच्चों का सौभाग्य बहुत हद तक माता पिता की प्रार्थना पर भी निर्भर करता है। मैं इसीलिए पेरेंटिंग को बहुत ही इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि नेचर में भी और नर्चरिंग में भी, यानी एक ओर लालन पालन से तो दूसरी ओर पूजा प्रार्थना से आप बच्चों के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। हाँ, उनके बारे में गहराई से जानना समझना आवश्यक है। ऐसे ही कुछ बातें अहोई अष्टमी के बारे में मैं बताऊंगा और याद से पूजा तिलक का समय नोट कर लीजिएगा। जब मैं आपको बताऊं तो याद से नोट कर लीजिएगा, बताऊंगा जरूर। फिलहाल मैं बच्चों की कुछ खास बातें आपसे कर रहा हूं और इस पूजा में आपको क्या करना है, कैसे करना है, जरा वो समझ लीजिए। मैं पूजा के बारे में एक दिन पहले इसीलिए बता देता हूं जिससे यदि आपके पास वो सामग्री घर में नहीं हो तो आप उसे समय से खरीद सकें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे तो जाना भागना मुश्किल होता है सब लोगों को, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। आपके पास लगभग 2 दिवस हैं और अहोई अष्टमी की पूरी जानकारी आप लेकर वो सामान खरीद कर पूजा के सही मुहूर्त में पूजा की तैयारी कर लीजिएगा। अहोई अष्टमी की जो कथा है वो साही से, सही समझते हैं, एक ऐसा छोटा सा जीव होता है, दिखने में चूहे की तरह से लगता है लेकिन होता खरगोश के बराबर है। तो चूहे और खरगोश के लगभग दोनों की सूरतों से और कद काठी से मिलता हुआ जीव होता है जिसके शरीर पर कांटे होते हैं। ये उससे जुड़ी हुई एक कथा है। एक कथा तो ये कहती है कि एक साहूकार के 6 बेटे थे और 6 बेटों का विवाह हो चुका था और वह अहोई अष्टमी के दिन एक जगह जाते हैं जहाँ पे वह थोड़ी सी मिट्टी खोदते हैं और मिट्टी खोदते समय उस सही का एक बच्चा मर जाता है, जिससे वो सही क्रुद्ध होती है। क्रुद्ध होकर वह गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी, यानी तुमको अब संतान या औलाद नहीं होगी। एक और कथा इससे जुड़ी हुई है जिसमें घर में खुदाई की जा रही है और उस खुदाई में से ही का एक बच्चा मर जाता है और उसमें से ही ये श्राप दे देती है कि मैं कोख बांधूंगी, तुम्हारे पुत्र नहीं होगा। ये उस दौर की बात थी जब पुत्रों को ही ज्यादा महत्व मिलता था, ये आज के दौर की बात नहीं है। और बहुत सारी परंपराएं समय के अनुसार बदलती हैं, बदलनी चाहिए। पुत्र और पुत्री दोनों बराबर हैं, इसलिए मैं अनेक वर्षों से, आपने सुना भी होगा, लगातार ये कहता हूं कि अहोई अष्टमी केवल पुत्र के लिए नहीं बल्कि पुत्री के लिए भी होनी चाहिए। इस दिन माताएं, फिर से देखिए, स्त्रियों की ड्यूटी है पुत्र के लिए, पुत्र को सौभाग्यशाली बनाने के लिए। खैर, माताएं सारे दिन का उपवास करती हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे करवा चतुर्थी यानी करवा चौथ के दिन करती हैं। उस दिन अपने पति के लिए करती हैं, उसके 4 दिन बाद अपने बेटे के लिए करती हैं। तो सुबह से, सूर्य उदय से उपवास शुरू होता है और संध्या में तारे देखने के बाद यह उपवास खोला जाता है और कहीं कहीं तो चंद्रमा देखकर यह उपवास खोला जाता है। चंद्रमा जबकि काफी देर से निकलता है और यह उपवास निर्जल होता है। देखो बच्चों, आपके माता पिता आपके लिए क्या क्या करते हैं और आप जहां थोड़ी सी बात होती है, नाराजगी होती है, एकदम कुछ भी बोल देते हैं। आप भी कभी माता पिता बनोगे और हम जो भी कुछ कर्म करते हैं वो क्रियामाण रूप में हमारे संचित में इकट्ठा होता है, ये जान लेना। आज आप इस तरीके से बोलोगे, कल को आपकी संतान भी, आपका हृदय वैसे ही दुखाएगी। इसलिए माता पिता से कभी
रूडली बात नहीं करना। तो माताएं सारा दिन इतना कठोर उपवास करती हैं जिससे उनके बच्चे सौभाग्यशाली बने, सौभाग्यवान बने, उनके बच्चे की आयु बढ़े। यहां मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज, माता ही क्यों, पिता क्यों नहीं? पिता भी अगर वह मान लीजिए किसी कारणवश उपवास इतना सख्त नहीं रख पा रहे हैं, उनको बाहर जाना है, काम पर जाना है, जो भी कुछ है, ऐसे तो काम पर स्त्रियां भी तो जाती हैं, चाहे वो घर में जाती हैं कमरे से दूसरे कमरे से तीसरे कमरे, चाहे वो ऑफिस, खैर, तो वह संध्या पूजा में तो साथ खड़े हो ही सकते हैं क्योंकि बच्चा उनका भी है और बुढ़ापे में वो उनकी भी लाठी बनेगा। दूसरी बात, पुत्र के साथ साथ पुत्री का भी टीका करें क्योंकि वह भी बुढ़ापे की लाठी है। ये ठीक है कि उसे दूसरे घर जाना है, ये भी ठीक है, आजकल बेटे भी तो कहां कहां दूर सर्विस करने चले जाते हैं, बुढ़ा बुढ़ी अकेले भी रह जाते हैं, लेकिन बेटी भी उतना ही प्यार करती है और वह भी हमारे शरीर का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितना पुत्र है। इसलिए इस परंपरा में थोड़ा सा और आगे बढ़े और पुत्री का भी तिलक करें। तिलक करना किस वक्त है ये मैं बताऊंगा। तो भाई दो बातें तय हो रही है, एक तो पिता भी बच्चे का अभिनंदन करेंगे, बच्चे को आशीर्वाद देंगे और संभव हो सके तो वह भी उपवास रखेंगे, और दूसरी चीज पुत्री का भी कीजिएगा। ये दो बातें तय। अच्छी परंपराएं तो कभी भी अंगीकृत करनी चाहिए ना। अब अहोई अष्टमी पर दो तीन और प्रमुख बातें मैं आपको बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए। देखिए, आयु अच्छी हो बड़ी हो इसके लिए मैंने जो सूत्र समझा है वो मैं हमेशा बताता भी हूं, और वो ये है, यदि संभव हो सके तो जन्मदिन वाले दिन, वो किसी का भी होगा लेकिन बच्चे के जन्मदिन वाले दिन, जब उसका बर्थडे होता है उस दिन थोड़ा सा वक्त निकाल कर रुद्र अभिषेक अथवा महामृत्युंजय अवश्य करा लिया कीजिए। यह वो मंत्र है जिससे प्रभु की ऐसी असीम कृपा मिलती है कि व्यक्ति की आयु बढ़ सकती है, आगे तो प्रभु जाने, लेकिन हमें यह प्रयास अवश्य करना चाहिए। और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे गंभीर संकट से बाहर आए हैं इस प्रार्थना के बाद। दूसरी चीज, जन्मदिन वाले दिन यदि कोई बच्चा अपने हाथ से जरूरतमंदों को दान दे तो उसका कल्याण होता है, और वो दान क्या होता है जरा नोट कीजिए। यदि उसका जन्मदिन जाड़ों में पड़ता है तो जाड़ों के वस्त्र और जाड़ों का अन्न, और यदि उसका जन्मदिन गर्मियों में पड़ता है तो गर्मी और बरसात के वस्त्र और अन्न और बरसात के लिए आवश्यक वस्तु। वैसे एक बच्चे ने बड़ा दिमाग लगाया और उसने अपनी सोसाइटी के बाहर जो गार्ड्स थे उन्हें हीटर दिया जाड़ों के जन्मदिन पर। एक बच्चे ने दिमाग लगाया और उसने दान में छाता और जूता दिया कपड़े का, जिससे बरसात में उसको दिक्कत ना हो। बच्चे बहुत दिमागवान होते हैं। इस प्रकार से सार्थक दान देना चाहिए। अनाज का दान देने से, यानी अजबल जिसे कहते हैं, अजबलि करने से, जहां आजकल इसका अर्थ पशुबलि से भी ले लिया जाने लगा, जबकि पशुबलि तो निषेध है, तो अजबलि यानी अनाज का दान करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। तुला दान करने से व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट से भी छुटकारा मिल जाता है और उसकी सेहत में इजाफा होता है, तो इसलिए अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। गौ माता की सेवा हेतु आप जो भी कर सकते हैं वह अपने जन्मदिन वाले दिन करने से आयु मिलती है। जी हां, तो इस प्रकार से बच्चे से उसके जन्मदिन पर यह कार्य अवश्य करा लिया कीजिए जिससे उसकी आयु में वृद्धि हो। अब बात करते हैं अहोई अष्टमी की। मैं आपको मुहूर्त बताता हूं, लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें अवश्य नोट कीजिए। पहली चीज यह है कि आप सात अनाज लेंगे, सात प्रकार के अनाज, है ना,
एक एक किलो ले लीजिए, सवा सवा किलो ले लीजिए, और आपके पास प्रभु की कृपा से धन है तो एक एक बोरा ले लीजिए, वह आपकी इच्छा है। लेकिन इतना अवश्य हो कि किसी गरीब के घर के बच्चों के पेट में वह अन्न, उससे बना हुआ अन्न जाए। लोग एक एक मुट्ठी ऐसे ही दे के और चलो चलो ऐसे, ये गलत, ये दान नहीं माना जाता। तो सात प्रकार के अनाज का दान कीजिए। नंबर एक, उसे खरीद के उसका पैकेट बना लीजिए। दूसरी चीज, तेल, सरसों के तेल का प्रयोग कीजिए, सरसों के तेल की एक बोतल ले लीजिए। उड़द की दाल, यह अवश्य लीजिए। और आजकल जो सब्जियां चल रही हैं, पांच प्रकार की, वह सब्जियां लीजिए। और किसी भी गरीब के बच्चे के पढ़ने लिखने की कोई वस्तु, चाहे वो किताबें हो, कलम हो, पेंसिल हो, इस प्रकार की कोई चीज अवश्य लीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें दानार्थ निकाल के रखनी है आपको। अभी इसको आज ले लीजिएगा। इसके अलावा भी आप कुछ करना चाहते हैं वो आप कर लीजिएगा, लेकिन यह जरूर लें। और इसके साथ साथ यदि संभव हो सके तो पांच कंबल। कैसे कंबल? जो सफेद और काले हों। अब नहीं पांच ले सकते तो एक ले लीजिएगा। कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि दान आप पे नहीं है धन फिर भी देना है। एक कंबल कर लीजिएगा, एक तौलिया ले लीजिएगा कोई ऐसा, है ना। तो अन्यथा पांच कंबल लेके ये सारी चीजें आप खरीद लीजिए। आज से कल दोपहर तक का समय है। अब करना क्या है? जब मुहूर्त शुरू होगा, वह समय मैं आपको बताऊंगा, उस मुहूर्त में सबसे पहले आप माता पिता बच्चों को बुलाकर बिठाएंगे और बच्चों का तिलक करेंगे। और जिस वक्त आप तिलक करेंगे, तिलक करने वाले व्यक्ति का चेहरा उत्तर अथवा पूर्व की ओर होगा। ठीक, तिलक किया। तिलक करने में आप फिर अक्षत लगाते हैं, वो लगाया, और उसके बाद उनको जो मुंह मीठा कराना है वो कराया। एक सुपारी बाहर में दीजिए, बाकी जो बाहर देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन एक सुपारी अपने बच्चों को, एक एक जितने बच्चे हो, एक एक सुपारी उपहार में अवश्य दीजिए। या चांदी की ठोस गोली भी उनको दे सकते हैं। अभी तो समय है, इसीलिए तो पहले बताता हूँ, चांदी की ठोस गोली दे सकते हैं, खास तौर से यदि बच्चे बाहर हैं। अच्छा हाँ, अब बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे बच्चे पढ़ने गए हैं या हमारे बच्चे बाहर रहते, तो क्या करें? तो ऐसा करें, ये सारी चीजें निकाल के रखें, दान आप स्वयं कर दीजिएगा, उनके चित्र पर तिलक कर दीजिएगा और उन्हें फोन से आशीर्वाद दे दीजिएगा और ये चीज उन तक पहुंचवा दीजिएगा। अभी पहुंचवा दे बहुत अच्छा, नहीं पहुंचवा सकते तो फिर किसी अन्य दिन पहुंचवा दीजिएगा। अब ये सब तिलक आदि हो गए। अब उन बच्चों से यह जो सामान है, आप सभी लोग जाकर किसी को दे दीजिएगा और फिर भोजन ग्रहण कीजिएगा। ठीक है ना, कितना सरल है। लेकिन आप पूजा करें तो फिर ऐसे करें, इससे आपकी पूजा को प्रबलता मिलती है, आपकी पूजा लगती है, जिसे सामान्य शब्दों में कहें, आपकी पूजा का फल प्राप्त होता है। आपने जो तप किया है, यानी जो उपवास आप लोगों ने किया है, उस उपवास का तब जाकर आपको फल मिलता है। अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। लेकिन हमारे यहां सनातन संस्कृति में साकार रूप दे दिया जाता है, जिससे एकाग्र होने में आसानी हो। तो अहोई माता का एक चित्र बनाया जाता है और पंचामृत से उनको स्नान कराया जाता है, फिर पंचामृत का भोग भी लगवाया जाता है, पांच फल उन्हें दिए जाते हैं, और घर में जो कुछ भी पका हो, वैसे तो पूरी कचौड़ी बनती है उनको, तो घर में जो भी कुछ पका हुआ होता है वह उनको सस्ने अर्पित किया जाता है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या हुआ कि आपने बच्चों को बुलाया, बिठाया, अहोई माता की पूजा करी, फिर बच्चों का तिलक किया, फिर सबने मिलकर दान किया, या जिसको दान देना है उनको बुला लीजिएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, दान किया और फिर सब लोग मिलकर भोजन करेंगे। और बच्चों, यहाँ आपका फर्ज है कि जिन्होंने आपके लिए व्रत रखा है, यानी आपके माता पिता,
अपने हाथ से उन्हें आप एक गसा पहले खिलाएंगे, तब व्रत, तब जल पिलवाएंगे और व्रत खुलवाएंगे, है ना। तभी तो घर में इन छोटे छोटे त्योहारों से आपस में प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति इज्जत बढ़ती है। और जब प्रेम और इज्जत बढ़ता है तभी हम दायित्व यानी जो धर्म है उसे निभाते हैं, ये धर्म है। आइए अब हम जानते हैं मेष से कन्या राशि तक का हाल। मेष राशि, संभल कर चलने की जरूरत है। ओम गणपताय नमः का जप करें फिर अपने काम पर जुटें। वृषभ राशि, मन थोड़ा व्याकुल रहेगा, परेशान भी रह सकते हैं, लेकिन फिर भी दिन आपके लिए ठीक है, दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा। मिथुन राशि, सोच समझकर बोलिए और धन न लीजिए न दीजिए। इस दिन गणपति जी को दूर्वा भेंट करके फिर अपने काम पर जुटिए। कर्क राशि, आपको इस दिन वाणी के दुरुपयोग से बचना है और गरिष्ठ भोजन करने में बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप बीमार हो सकते हैं। एक छोटा सा उपाय कर दीजिएगा, इस दिन आप शक्कर का दान जरूर कर दीजिएगा। सिंह राशि, क्रोध से बचने की कोशिश करें और तेज वाहन इस दिन बिल्कुल मत चलाइएगा, पांच फलों का दान जरूर करें। कन्या राशि, इस दिन अच्छा अच्छा बोलें, अच्छे लोगों के साथ बैठें और आपका पार्टनर, आपका मित्र, वो आपसे खुश रहना चाहिए, उसे नाराज मत कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए परेशानी होगी। उपाय क्या करना है, दूध का दान अवश्य कर दें। तुला राशि, दिन तो आपका ठीक है लेकिन रिश्तों को संभाल कर रखने की जरूरत है, चावल का दान जरूर कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए ये वक्त अच्छा है, आगे बढ़ के काम कीजिएगा, मसाले का दान जरूर कर दीजिएगा। धनु राशि, बहुत सोच समझकर बुजुर्गों से बात कीजिएगा और उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बाकी ये दिन ठीक है। उपाय के तौर पे हल्दी का तिलक जरूर धारण करें। मकर राशि, इस दिन बहुत तोल मोल कर बोलिएगा और आपकी बोली से इस दिन को विशेष लाभ हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। काले रंग का धागा दाहिनी कलाई में अवश्य धारण करें या काले रंग का कोई वस्त्र पहन ले, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का इस दिन बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, उड़द की दाल का दान जरूर कर दें। मीन राशि, अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा, बाकी दिन आपके लिए ठीक है, चावल का दान इस दिन जरूर कर दीजिएगा। अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो चलिए जन्मदिन की देते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, कोई नया कार्य कर सकते हैं, लेकिन जिन चीजों से आपको परहेज रखना है या ध्यान रखना है वो सुनिए। बीमार पड़ने के योग बारंबार बनते हैं, इसलिए भोजन इन 12 महीनों में बहुत संतुलित लीजिएगा। और दूसरी चीज, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, मित्रों से बिछो या कुछ रिश्तों का टूटना ना हो जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, रोजाना विष्णु जी को प्रणाम करना है, ओम नारायण नमो नमः का जप करके फिर अपने काम पर जुटने की आदत डाल लीजिएगा, फिर अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं चलता हूँ लेकिन पूजा का समय नोट कीजिए, शाम को 6:14 से लेकर शाम को 7:28 तक, इस बीच में पूजा कर लीजिएगा। मेरी ओर से आप सभी लोगों को हृदय से बहुत शुभकामनाएं और बच्चों बहुत सारा लाड प्यार, आपको जीवन में खूब तरक्की मिले। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।